लोगों का कहना है कि असद साहब ममता की सरकार से डर गए हैं। कहाँ डर रहा है, आप देखिए ममता बनर्जी मीम से डर रहा है, इसीलिए वेस्ट बंगाल में मीम का काम जो कर रहा है उसका पीछे प्रशासन दे के उसको अंदर डाल रहा है। तो यहाँ मीम तृणमूल से नहीं डर रहा है, तृणमूल मीम से डर रहा है। आप कुछ दिन पहले देखा है, हम लोग जब अनिस खान के बारे में जब यहाँ बहुत एक प्रोटेस्ट किया था, उस दिन टीएमसी वालों ने क्या किया था, हम सब अरकर को जेल के अंदर घुस दिया था। इसीलिए हम कह रहे हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जहाँ पे मजलिस का काम हो रहा है वहाँ पे क्या कर रहा है, वो सबको चुन चुन के अंदर डाल रहा है। अभी वो दिन चला गया है, हम लोग जितना हम लोगों को बारे में केस वो देंगे उसके बाद भी हम लोग और मजबूती से काम यहाँ करेंगे इंशाल्लाह। लोगों का कहना है कि मीम जो है बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बंगाल में आने चाहते हैं। देखिए लोग तो बहुत कुछ बोलता रहेगा और जितना सारे यहाँ पॉलिटिकल नेता है वो भी बोलता रहेगा। हम अब लोग सब देखते रहे हैं, जब कोई मसला हम लोगों का सामने आ रहा है वो अनिस खान के बारे में हो और जो पहलू खान के बारे में हो, जो ओम लिंचिंग के बारे में हो, जुबैर नासिर के बारे में हो, सबसे पहले कौन सवाल उठाता है, वैसी सार यहाँ सवाल उठाता है। कोई जो सेकुलर नामधारी सेकुलर दल है इसके बारे में कोई नहीं यहाँ सवाल उठाता है। इसीलिए एकमात्र ओवैसी सार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस सबसे पहले पिछवाड़ा जो जाति है संख्यालघु इसके बारे में ओवैसी साहब आवाज़ उठाता है और नामधारी सेकुलर लोग जितना पार्टी है कोई इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। इसलिए कोई बीजेपी का बी टीम है, अब लोग इसके बारे में अब लोग देख रहे हैं। बंगाल में मीम कहीं दिख नहीं रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बंगाल में अभी काम हर असेंबली में हो रहा है, जो बोल रहा है दिख नहीं रही है वो मीम के बारे में ख्याल नहीं रखते। हमारा हर असेंबली में काम हो रहा है। अब जयनगर में हम लोग बहुत सारे काम किया है, हर पंचायत में हमारा काम हो रहा है और बंगाल का हर आवाम जानता है जयनगर कौन सा जगह है। जयनगर जो असेंबली है हमारा बूथ स्तर पर भी काम हो रहा है, मोगराट पश्चिम में भी हो रहा है, भांगड़ में भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हर जिला में हमारा काम हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जो समय आएगा तो सब लोग दिख जाएगा तो काम क्या हो रहा है। काम तो हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा कहीं पे। अभी दिखेगा, हमारा बैरिस्टर साहब जो आ रहा है ना ईद का बाद, हम अभी फील्ड में लग गए हैं, अभी यहाँ झंडा बैनर पोस्टर सब हम लेके जा रहे हैं, हर बूथ स्तर पे हमारा काम होगा और सब लोग अभी दिखेगा। जो लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में काम नहीं हो रहा है, हम अभी उनको दिखा देंगे जो वेस्ट बंगाल में काम कैसे होना चाहिए और कैसे हो रहा है। हमारा जो यहाँ का जितना सारे वर्कर देख रहा है सब विभिन्न असेंबली से आ रहा है और यहाँ से जाकर कल से हर पंचायत स्तर पे भी काम पे सब लग जाएगा और सबके नज़र में आ जाएगा वेस्ट बंगाल में काम कैसे होने वाला है इंशाल्लाह।